हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और मैंने अपना होली ब्लॉग डाल दिया है, जाके आप उसे देखिए और उस पर कमेंट करिए कैसा लग रहा है। होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आज का यहाँ का वेदर सुपर्ब है। पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा ही गर्म था, बट अभी इतना अच्छा हो गया है कि दिल खुश हो गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्रीटी फ्लावर लग रहा है। और साथ में देखिए मेरे रोजेस। ओहो, कैसे दिखाऊं, दिख रहा है? ये सारे रोजेस आए हैं इसमें। और यहाँ पे ये वाइट कलर का है। और अभी दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का वेदर, जो कि इतना प्रिटी हो गया है बहुत ज़्यादा। वो जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत ही क्लाउडी है क्लाइमेट आज का। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वेदर के लिए तो मैं तरस गई थी पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से। बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा। अभी तो सारे फूल पौधे भी खिलखिला गए हैं और इतने सारे फ्लावर्स आए हैं। अभी इनमें से मैं तोड़ती हूँ और अपने भगवान जी को चढ़ाती हूँ। ब्लर हो जा रहा है। वाओ, सो प्रिटी। अभी जा रही हूँ खाना बनाने। एक्चुअल में आज का प्लान है बाहर जाके डिनर करने का फ्रेंड्स लोगों के साथ। कुछ इटालियन रेस्टोरेंट आई थिंक सो, वहाँ पर जाएंगे और मस्त आज पिज़्ज़ा और पास्ता खाऊंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं डाइट कर रही थी, बट डाइट इन द सेंस कार्ब्स नहीं खा रही हूँ, प्रोटीन रिच में फूड ले रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। होप सो मेरा वज़न कम हो जाए, वेट लॉस जर्नी है मेरी ये। होप सो मुझे ज़्यादा नहीं, 3-4 kg मुझे लॉस करना है, दैट्स इट। और मुझे लगता है मेरे इस हार्ड वर्क से क्या ऑर्डर आया है। रियांश, वेयर आर यू? ओ, व्हाट इज दिस? हाँ, इसमें फोटोज है बेटो। अच्छा, ये मेरी फोटोज है, जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने क्लिक करवाई थी, तभी देखिए मैं कितनी गोबू गोबू थी। ये रियांश के नहीं, काफ़ी समय बाद की फ़ोटो है। बहुत ज़्यादा ही मैं एकदम, अभी तो थोड़ा यहाँ पे आई हूँ तो वेट लॉस हुआ है मेरा पिछले कुछ समय से। जब पुराने वाले घर में थी वहाँ पे भी मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था, तो मैंने अराउंड 3 kg तक वेट लॉस किया था। कोविड में मैंने 8 kg लॉस किया था और अभी चल रहा है प्रोसेस। अभी भी थोड़ा वेट लॉस हुआ है। आज ही मैंने मॉर्निंग में चेक किया, 1 मिनट रियांश। सो मैंने मॉर्निंग में देखा मेरा अराउंड 1 किलो तक, हाँ 1 किलो तक मेरा वेट लॉस हुआ है। 1 kg, इट्स अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि एक सर्टन वेट के बाद ना आपका वेट लॉस होना बंद होता है और बहुत ही आपको हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद होगा। और फिलहाल मेरा वही चल रहा है, बहुत कुछ कर रही हूँ मैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस एक चीज़ है, मुझे इसमें कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है समटाइम मेरे नेचर के अकॉर्डिंग। मैं ऐसे एक चीज़ों पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है मुझे, इंसानों को छोड़ के। और अंश, क्या साड़ी वॉश की थी? किसका पेपर? पापा का पेपर लेने का हुआ है। नहीं, पापा आएंगे तो पापा को पूछ के आपको लेना है, ऐसे बिना पूछे कोई भी पेपर टच नहीं करना। आपने देखा नहीं? नहीं। देखो और बताओ कौन है वो, अच्छे से, ऐसे नहीं। ये कौन है? क्या? कौन है ये? दो मम्मी। दो दो, इधर दो, काम के हैं बेटा। ठीक है, जा रही हूँ खाना बनाने और आज शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। बस जिंदगी भी ऐसी है, ट्रेन की तरह है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। क्या हुआ सोना?
यहाँ पे मैं दाल राइस और फिर शेंगा है उसकी भाजी बना रही थी, और उसके पहले ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया था और फिर मैसेज भी आया कि उसका जाना कैंसिल हुआ है, बस आज जेंट्स लोग ही उन लोग ही मिलेंगे और वो लोग ही बाहर डिनर करेंगे। सो मैंने रियांश को बताया। ओ माय गॉड, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक बार रियांश को बता देना कि हम कहीं जा रहे हैं और फिर मना करना, वो बहुत ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ, रट्टा लगा लेता है कि नहीं जाना है, मुझे भी जाना है, जेंट्स लोग जा रहे हैं तो मैं भी तो हूँ ना, मैं भी बॉय हूँ, मैं भी जाऊँगा। बट मैं बोली नहीं, पापा नहीं लेके जाएंगे आपको। तो काफ़ी अपसेट हो गया था, बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया। और शाम तक, इनफैक्ट नेक्स्ट डे तक उसका था कि ख्याति आंटी को बोलो ना, मेरी फ्रेंड है वो आ रही थी, वो ऑल ऑफ सडन उसका कैंसिल हुआ, सो फिर मेरा भी कैंसिल। सो रियांश को कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए अभी एवरी टाइम मैं सोचती हूँ जब कन्फर्म हो जाएगा तो बताऊँगी, और ये कन्फर्म था बट फिर ऑल ऑफ सडन कैंसिल हुआ। सो नेक्स्ट टाइम मैं और ध्यान रखूँगी कि एकदम निकलने के थोड़ी देर पहले ही रियांश को बताऊँगी हम यहाँ जा रहे हैं, वरना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। अभी आगे आप रियांश की बातें सुनिएगा, मतलब उसे जाने के लिए इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड था और उसका पचका हो गया, तो वो दिन भर वही रट्टा लगाया था और नेक्स्ट डे तक ऐसे ही चल रहा था उसका। वो भी खेल थी और आपका फ्रेंड था। हाँ, ये तुमने सही पकड़ा है। और मैं सबका फ्रेंड हूँ। आप सबके फ्रेंड हो? हाँ, आप भी सबके फ्रेंड हो। मैं सबकी फ्रेंड हूँ। हाँ, सबको चमकन और खेल थी। लेकिन वो बस बॉयज बॉयज लोग जा रहे हैं, गर्ल्स नहीं बोला, गर्ल्स अलाउड नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ रियाज। आपको मैं कितना समझाऊँ, आप बॉयज हो ना, आप पापा को बोलना, पापा आपको लेके जाएंगे, ठीक है? हाँ, बच्चे लोग अलाउड नहीं है पापा। बच्चे लोग अलाउड नहीं है ना? देन नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं भी कर सकता हूँ। आप भी चल सकते हो? आप बॉयज हो? बाल नहीं है, बॉल आजकल हेयर्स तो रियांश रोटी बना रही हूँ, थोड़ी रोटियाँ बना ली हूँ, अब थोड़ी स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि चार पांच रोटी बनाने के बाद देखिए प्रॉपर अभी पक नहीं रहा है, तो थोड़ी देर स्टॉप कर दूँगी, वरना कड़क कड़क बनती है और रोटी सॉफ्ट ही अच्छी लगती है। बंद कर दूँगी ये हटा के, ये बस लास्ट पका लेती हूँ, फिर उसके बाद चार पांच रोटी और सेकनी थी बट हो नहीं पा रहा है, पकता नहीं अच्छे से तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैं भाजी बना रही हूँ मसाला, ये मैंने अभी यूट्यूब में एक का ब्लॉग देखा, मतलब एक का रेसिपी देखा और उसे फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे आलू कट कर लिया है, आलू डालूँगी, उन्होंने नहीं डाला था बट मैं डालूँगी। और ये मैं ड्रम स्टिक का भाजी बनाने वाली हूँ, हमारे यहाँ सहजन बोलते हैं और मेरी सासू माई इसे लकड़ी बोलती है, आप लोग क्या बोलते हैं इसे मुझे बताना कमेंट करके। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ये था मेरे पास, सो मैंने सोचा इसी की भाजी फटाफट बना देती हूँ। एक साउथ इंडियन है, उनका मैंने ब्लॉग देखा हुआ था, सो उनके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ और कैसा बनेगा आप लोगों को टेस्ट करके बताऊँगी। अब इसे अच्छे से भूनना है मसाले को, मसाला जितना अच्छा भूनेगा भाजी उतनी टेस्टी बनती है, ऐसा मेरी सासू माँ मुझे बोलती है, इसलिए मसाला अच्छे से भूनूंगी। और होप सो ये जल्दी से पक गया क्योंकि लेट हो चुका है। ये देखिए मेरी भाजी थोड़ा वक्रतुंड, अभी क्योंकि पकेगा ना तो थोड़ा पानी लगेगा। ओम गुरु हुआ स्वाहा, क्योंकि रवि शाह पूजा कर रहे हैं। अभी सर्व मंगल, अच्छे से हाथ जोड़ के बेटा। अभी कर्पूर बहुत सारे शॉपिंग किया हुआ है, कितने हैं टोटल? 5 इसको मिला के हाथ में। ओके, अच्छा लग रहा है। ये वाला अंदर रख देना। उसको अंदर रख दूंगी,
सारी चीज़ें हैं, एवोकाडो, यहाँ पे है एप्पल, चेरी, टमाटो, कैरेट, बीन्स है, इधर भी है। टाइप का मैंने पास्ता मंगाया है, पास्ता सैलेड डाइट से अच्छा पड़ता है इसके लिए। ये थ्री टाइप्स के हैं। फिर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मतलब मैं तो इसे सैलेड बोलती हूँ सिंपल। इनके भी नाम है अलग अलग। फिर वाटरमेलन, यहाँ पे बहुत सारा कुकुम्बर, क्योंकि रियांश को पसंद है, मुझे भी पसंद है, और इनको नहीं पसंद बट इनको मैं देती हूँ। यहाँ पर ढेर सारा लेमन, जो कि बहुत अच्छा है डाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पालक, यहाँ पे ऐसे पैकेट में पालक मिलता है। ये ट्रायल बेडरूम में, और ये ट्रायल के लिए इन्होंने लाया हुआ है इंस्टेंट मैगी ट्रैवलिंग के लिए। हॉट वाटर मिक्स करो और खा सकते हो। ये सब है। अभी मैं यहाँ पर चीला बना रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। हाँ, एक में बता देना, इसमें मैंने ना रागी का आटा और थोड़ा सा आई थिंक ज्वार का आटा और बेसन मिक्स करके पनीर ऐड किया है, प्याज और टमाटर। ये वाला चीला आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही यम बना था और बहुत इजी है। और वो भाजी जो मैंने बनाई थी ड्रमस्टिक की, वो भी बहुत यम बनी थी, बहुत ज़्यादा ही यम, और वो थोड़ा साउथ इंडियन टच था। सो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये स्मॉल पिज़्ज़ा बनाई हूँ रियांश के लिए मैंने, अभी से बेक करूँगी। एरा पिज़्ज़ा रियांश को बहुत अजीब लग रहा है, बना तो अच्छा है। देखो तो चीज़ पुल आ रहा है, तो चीज़ पुल तो पिज़्ज़ा में बनेगा। चलो मेरा मीठा, इधर मीठा पानी, मस्त यम्मी पानी पूरी रेडी हो गया है। ये रहा, आओ इधर आओ, रगड़ा मीठा पानी, तीखा पानी ऐसे हस्बैंड को भी दिया है यहाँ पे दोनों, और रगड़ा हम कॉमन है। और यहाँ पे मेरा पूरी, वाह कितना यम्मी बना है। और यहाँ पे एक डब्बा और भर के बना दिया है। मेरे हाथ से खाओ, क्या मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, तो आपको अच्छा टेस्ट आएगा। ये लो पकड़ो, अब रियल एक्सप्रेशन दिखा दो। मीठा डालियो? हाँ डालियो, सब डालियो। ये आवाज गलत था इस बीच में। आओ आओ इधर रियाश, मम्मी तुझे पत्ती नहीं है। मैंने एक बार बहुत यम बना है, एक और आप लोगों के साथ खाऊंगी, बहुत सुपर बना है। क्यों मम्मी छोटी बच्ची नहीं ऐसा क्यों बोले? कट क्यों करते? हाँ बेटू ऐसा क्यों बोले? अभी अगली बार आओगे तो ये मिलेगा, ठीक है? बहुत यम। अच्छा मैं बड़ी हूँ तो पापा मेरे को नहीं खिला सकते? टाटा गुड बाय। पापा दिल खुश हो गया, बहुत ही यम बना हुआ है, मज़ा आ गया। चलो मैं पानी पूरी इंजॉय करती हूँ, आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और खाइए, बाहर से ज़्यादा अच्छा घर का होता है। बाय बाय। हाइजीनिक समझते हो? और हाइजीनिक भी होता है। H-Y. Yes, घर का बहुत यम्मी होता ही है, नो डाउट, और टेस्टी। तो बंद कर दिया। आपको कैसा लग रहा है आप बताइए पहले मुझे आपको। हाँ अच्छा, बहुत दिन बाद खा रहे हैं। हाथ हटाइए अपना। वाओ यम्मी सा सेव पूरी। आइसक्रीम टाइम। ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस ब्लॉग को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।